नमस्कार दोस्त, फिर से स्वागत है आपको YouTube चैनल में। आज बात करने वाले हैं नया साइबर कैफ कैसे खोले 2025 में। अब जो है 2024 समाप्त होने वाला है, तो जो लोग भी उल्लास रहा था कि हम एक साइबर कैफ नया खोले तो वो कैसे खोल सकते हैं, नया साइबर कैफ खोलने में क्या क्या चीज लगता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, जो भी लोग नया साल के शुभ अवसर पर अगर साइबर कैफ खोलना चाहते हैं तो वो लोग कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या चीज जरूरी है। अगर आप कुछ दिन पहले से वीडियो वॉच नहीं करिएगा तो आपको पता ही चलेगा एक साइबर कैफ खोलने के लिए जो है क्या क्या चीज लगता है, क्या क्या आईडी लेना पड़ता है, कौन से सामान लेना पड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा फॉलो करिए। जो भी लोग साइबर कैफ का काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, न्यू साइबर कैफ खोलना चाहते हैं, वो सबके लिए जो है आज इस वीडियो में बताने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइबर कैफ खोलने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी पड़ता है, एक देहाती भाषा में हम इसको शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक साइबर कैफ का दुकान खोलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कम से कम आपको जो है 10th पास रहना चाहिए या इंटर पास अगर आप है तो आप साइबर कैफ का दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा कोई चीज का डिग्री है, क्योंकि आईडी भी लेना पड़ता है और बिना आईडी के आपको जैसे डिग्री नहीं मिलेगा, तो कम से कम आपको जैसे 10th पास रहना चाहिए। 10th के पास आप ऊपर जितना भी पास है वो आपके लिए बेनिफिट है। तो शुरुआत करते हैं एक साइबर कैफ खोलने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैं इसका प्राइस भी आज जो है बताऊंगा। देख सकते हैं कि मेरे पास इप्सन का जो है प्रिंटर है। अब इसका कितना कॉस्ट है मैं वो भी बता देता हूँ। इप्सन का प्रिंटर है, ये वाईफाई मॉडल है, मोबाइल से भी इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, इसको केबल से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसका प्राइस कितना है मैं प्राइस भी आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को जो साइबर कैफ खोलने में बहुत ही आसान होगा। तो इसका प्राइस दोस्त 12,000 से 13,000 रुपया में जो है अच्छा प्रिंटर आ जाता है। ये मॉडल का नाम है L3250 है, जो कि बहुत अच्छा है। एक ही प्रिंटर से आप जो है कलर प्रिंटर, फोटो, जीरोक्स, सारा चीज जो है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे पास एक मॉनिटर है। तो आप लोग सोचते होंगे कितना का मॉनिटर है, मैं इसका भी प्राइस में बता देता हूँ। मॉनिटर का कंपनी का नाम है डेल कंपनी का है, और ये कितना का प्राइस है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका प्राइस जो 10,000 रुपया पड़ा है। ये 32 इंची का जो है डिस्प्ले है और बहुत ही स्मूथ काम करता है। इसका लुक भी अच्छा है, पीछे से भी देखिएगा तो इसका अच्छा देखने में लगता है, और आगे से भी देखिएगा इसका लुक जो है अच्छा लगता है, साइबर कैफ का शोभा बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेरे पास सीपीयू है, इस कितना का पड़ता है। इसमें जो है 8GB रैम लगा हुआ है, 2000 हार्ड डिस्क लगा हुआ है। उसके बाद जो इसका प्राइस कितना पड़ा है, तो ये दोस्त हम जो है अलग अलग सामान लेकर इसको ठोस बना चुके हैं, ताकि मुझे बार बार जो है खराब नहीं हो, बार बार जो इसको खरीदना नहीं पड़े। तो इसका प्राइस जो है मुझे 16,000 से 17,000 रुपया पड़ा है, क्योंकि इसमें जितना भी सामान दोस्त इसके अंदर लगा हुआ है सब महंगा लगा है। मैं इसके ऊपर जो है एक फुल्ली वीडियो अलग से बना दूंगा, इसके अंदर मैं क्या क्या लगवाया हूँ, कैसे मतलब दूसरा चीज जो है हम बाद में बता देंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। इतना सामान का आपका रेट पता हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं। आपको एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा। कीबोर्ड जो है दो प्रकार के आते हैं, एक कीबोर्ड हो गया आपको छोटा सा, हो गया बड़ा सा हो गया। तो बड़ा छोटा में क्या अंतर मैं वही बता देता हूँ। बड़ा सा रहेगा तो आपको थकिएगा नहीं, आपको जो है थकान महसूस नहीं होगा। छोटा रहेगा तो आपको जैसे काम करने में थोड़ा मन नहीं लगता है। दोनों में रेट जो है थोड़ा अंतर है। इसका जो है 200 से 300 रुपया मिल जाएगा, और ये आपको जो है 2,000 करीब में जो है मिल जाएगा, ये TVS कंपनी का। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको माउस भी जरूरी पड़ेगा। माउस कितना का आता है, तो 200 से 300 रुपया माउस आ जाएगा। एक माउस पैड भी आपको जैसे साथ में साथ 50 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद एक डिवाइस लेना पड़ता है जिसका नाम है मंत्रा। ये क्यों पड़ता है, जब भी हम साइबर कैफ का काम करते हैं तो मुझे कस्टमर को जो है पैसा निकासी लेन देन करने के लिए, वृद्धा पेंशन को KYC करने के लिए, इतिसी इत्यादि के लिए जो है हमको जहाँ फिंगरप्रिंट का जरूरी पड़ता है, उसके लिए हमको जो है मंत्रा डिवाइस का जरूरी पड़ता है। इसलिए मुझे मंत्रा डिवाइस जो है साइबर कैफ में रखना अनिवार्य होता है। इतना सामान अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और बता देते हैं। आपको जो है नेट लगवाना पड़ेगा, जियो फाइबर जो है आपको यहाँ पर लगवाना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरे पास जियो फाइबर है, आप कोई भी कंपनी का जो है आप नेट कनेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपके पास इतना चीज अगर हो जाता है, उसके बाद भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं, बिना आईडी के भी कमा सकते हैं। आप पूछेगा कि बिना आईडी के जो है पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्त, साइबर कैफ में काम करने के लिए आपको जो है ज्यादा आईडी का जरूरी नहीं पड़ता है। तो दो ही आईडी आपको लेना पड़ेगा। दो आईडी का नाम है, सबसे पहले तो आपको स्पाइस मनी लेना पड़ेगा। स्पाइस मनी आईडी में आपको जो है बहुत सारे फीचर हो जाते हैं, जैसे ट्रेन का टिकट काटना है,
उसके बाद पैन कार्ड बनाना है, पैसा कस्टमर का निकासी करना है, निकालना है, उसके लिए जो है आपको स्पाइस मनी आईडी हो गया। उसके बाद जो है वृद्धा पेंशन का केवाईसी करने के लिए सरकारी कोई भी योजना में जो है सीएससी जरूरी पड़ता है, उसके लिए आपको सीएससी आईडी लेना पड़ेगा। इतना चीज अगर आपके पास हो जाता है तो आप जो है कैब खोलने लायक जो है आप हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा सा जो है इस टाइप से जो है आपको काउंटर बनाना, देख सकते हैं कि आपको जिस टाइप से जो है काउंटर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर काउंटर बना सकते हैं। काउंटर बनाने में कितना पैसा लगता है यहाँ पर देख सकते हैं, इस बनाने में जो है हमको 15,000 रुपया जो सिर्फ ये मॉडल बनाने में पड़ गया है। काउंटर बना लेते हैं तो थोड़ा मोड़ा जो है आपको जो है दुकान भी पीछे से बना लेना है। दुकान क्यों बना लेना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दुकान आपको इसलिए बना लेना है कि मान लीजिए कि आप नया नया में साइबर कैफ का दुकान खोलिएगा, दुकान अगर आपका नहीं चलेगा तो आपको देख सकते हैं कि मोबाइल भी आइटम इस दुकान में आप रख सकते हैं, अच्छा खासा से रख सकते हैं। यहाँ पर जो है से जो भी जो गांव देहात में जो भी सामान बिकते हैं, जैसे में चार्जर हो गया, हेडफोन हो गया, केबल हो गया, बल्ब हो गया, फोटो कॉपी, जीरोक्स, लॉन पन जो भी होता है आप उस पर दुकान में रख के आप उससे भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है से आप सोचते होंगे कि इस रैक को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, तो ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे जो है बहुत ज्यादा पैसा पड़ गया था, लेकिन आप लोग को जो है उतना पैसा इन्वेस्ट में नहीं करना है। सबसे पहले जो इतना सामान खरीद लेना है, छोटा सा दुकान ले लेना है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, दुकान को ओपनिंग कर देना है। ओपनिंग करने के बाद जो है धीरे 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 आपको जो है कस्टमर आते रहेंगे और धीरे धीरे कोई भी चीज आप जो है सीखते रहिएगा। दोस्त कोई भी चीज जो है एक बार में नहीं सीखा जाता है। मान लीजिए कि हम दुकान को ओपन कर लिए मान लिए कि हम दुकान को ओपन कर लिए हैं और मुझे कोई कस्टमर आते हैं जीरोक्स कराने के लिए, तो मुझे कि हम अभी नौ सीखा है नहीं सीखे हुए हैं तो एक दो करके देखेंगे, वो दो गलती होगा उसके बाद जो सुधार हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई जातीयवासी बनाने के लिए आते हैं तो आप मेरा ही वीडियो वॉच करिएगा, किसी का वीडियो वॉच करिएगा तो वीडियो देखिएगा और काम करिएगा, तो उससे आपको जो है क्या होगा कि मार्ग जल्दी जो है खुलेगा। देखिए दोस्त, जब काम का प्रेशर रहता है तभी आपका जो है माइंड काम करेगा, उसके बाद जो है आपको खुद ऑटोमेटिक जो है काम करने आ जाएगा। तो जब तक शरीर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक जो है डर अंदर पैदा नहीं होगा, जब तक आप कोई काम को नहीं सीख सकते हैं, तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा छोटा सा वीडियो में एक साइबर कैफ दुकान खोलने में जो है क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या आईडी लगता है, और एक साइबर कैफ खोलना कितना आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा कहेंगे कि साइबर कैफ खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है, बहुत ही कष्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक साइबर कैफ खोलने में जो है कोई परेशानी नहीं है। कोई भी आम आदमी जो साइबर कैफ का दुकान खोल के और महीना का जो है 30,000 से 35,000 रुपया आसानी से कमा सकता है। कि आपके मन में भी सवाल होगा कि 30-35,000 रुपये महीना में कैसे कमा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भर दिन में 100 का 200 का जीरोक्स करे, सामान बिका, उसके बाद जो है जाती आवासीय ऑनलाइन किए, तरह तरह का जो है दुकान में काम होते रहते, किसी का आधार कार्ड निकाले, किसी का वोटर आई डी कार्ड निकाले, इस प्रकार से जो है आपको बहुत सारे काम जो है होते रहते हैं। अगर सब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको जो है 30-35,000 महीना में कमा लीजिएगा, लेकिन नया में नहीं, ओल्ड होने के बाद। दोस्तों आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।